यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। मुझे पता है मैं बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था मुझे। अभी बेस्ट अपना ट्राई करूंगा, वीक में कम से कम एक बार वीडियो डालू। तो आज हम खेलने वाले हैं वैसे वुड यू रैदर। तो एडल्ट तो हम नहीं सिलेक्ट करने वाले, क्योंकि हम बच्चे हैं अभी 10 साल के। तो नॉर्मल ही करते हैं कि वुड यू रैदर बी बैटमैन और बी स्पाइडरमैन। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता नहीं है बैटमैन और स्पाइडरमैन से कौन स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये देखो, बैटमैन किसी को बनने का इरादा है भी नहीं, क्योंकि उसके पास कोई नेचुरल सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन स्पाइडरमैन के पास बहुत सारी नेचुरल सुपर पावर्स हैं। तो हम 67% वाला करेंगे। फिर वुड यू रैदर राइट अ 10-पेज पेपर कंप्लीट 50 मैथ प्रॉब्लम्स। मुझे मैथ बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं हाँ बस अरे यार, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था मैथ। मैं नहीं करता मेरे हिसाब से। तो बी टैलेंटेड एट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बी टैलेंटेड एट ऑल स्पोर्ट्स, बी टैलेंटेड एट ऑल स्पोर्ट्स, ज्यादा नाम कमाऊंगा। हाँ ज्यादा नाम कमाएंगे ना लोग। बी टैलेंटेड एट ऑल स्पोर्ट्स। वुड यू रैदर बी फास्ट एज अ कार, बी एबल टू लिफ्ट अ कार। अगर मैं फास्ट रहूंगा कार के जितना, तो भी मेरी तारीफ हो गई होगी। या फिर मैं लिफ्ट करूंगा गाड़ी को, तो भी मेरा। देखो, अगर मैं फास्ट बनूंगा कार से भी फास्ट, तो भाई मेरे ऊपर रिसर्चेस करने लगेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक मैं तोड़ दूंगा। लेकिन कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो जो किसी गाड़ी से फास्ट जा सके। और ऐसे तो बहुत रेयर, लेकिन लिफ्ट करने के लिए कार ऐसे कुछ कुछ है देन जो लिफ्ट कर सकते हैं गाड़ी को। लेकिन बी फास्ट ऐसा कार तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मैं बी फास्ट ऐसा कार करूंगा। एंड ये देखो, लिफ्ट अ कार में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बी फास्ट ऐसा कार मतलब सोचो लम्बोर्गिनी बुगाटी से भी फास्ट होंगे, ठीक है। वुड यू रैदर हैव योर वर्स्ट नाइट मेयर कंट्री नेवर है। पिछली बार, इस बार मुझे पिछले रात मुझे बहुत अजीब सपना आया था, नाइटमेयर जैसा ही था, लेकिन उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ बस, अरे किसी के ड्रीम्स आए नहीं तो कैसे होगा। नेवर बी एबल टू ब्रश योर हेयर अगेन, नेवर बी एबल टू ब्रश योर टीथ अगेन, ब्रश योर हेयर अगेन। क्यों बताओ? क्योंकि टीथ ब्रश करेंगे तो सारा निकल निकल जैसे बात करने लगेंगे हम, और होंठ भी अंदर चले जाते हैं उसकी वजह से। वेकिंग वेक अप हैविंग मास्टर्ड द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, वेकिंग अप हैविंग मास्टर्ड द इंट्रो इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर चॉइस। वैसे तो मेरे को इंस्ट्रूमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स को पियानो को छोड़कर, और पियानो गिटार को छोड़कर मुझे इंस्ट्रूमेंट्स को कोई ऐसे है नहीं। लेकिन लैंग्वेज सीखने में कितनी कसरत करनी पड़ती है। सच में लैंग्वेज कभी सीखा है क्या? जैसे मैं अभी गोवन हूँ, तो कोंकणी सीखने में मुझे 1 साल लग गया उसके बेसिक्स और 2 स्टोरीज पूरी तरीके से सीखने में। तो सोचो अगर मैं एक रात सोया, उसके बाद मुझे पूरा कोंकणी है, सब सब मेरा चॉइस का जो लैंग्वेज मुझे चाहिए वो मेरे को पूरा लर्न हो गया जैसे कोंकणी। तो सोचो क्या मैं बच्चे कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। यस, देखा मैंने बोला था ना, इंस्ट्रूमेंट तो कोई भी बजा सकता है, बस थोड़ी बहुत नहीं, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन उससे ज्यादा मेहनत लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस में लगती है। हैव योर ओन थीम सॉन्ग वेन एवर यू वॉक इन टू अ रूम, हैव अ लाफ ट्रैक एवरी टाइम यू डिड समथिंग फनी, हैव अ लाफ ट्रैक एवरी टाइम यू डिड समथिंग फनी। क्योंकि जो मैंने एक लाफ मीम देखा है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा किसका है, तो उसमें मुझे इतनी हंसी आती है, तो मैं यही करने वाला हूँ। लेकिन ना, नहीं हुआ। बी इनविजिबल एट द पार्टी, बी द लाइफ, अरे
मैंने गलती से क्लिक कर दिया। अरे वैसे ये बहुत अच्छा गेम है। वुड यू रैदर हैव सुपरमैन्स एबिलिटी टू फ्लाई हैव सुपरमैन्स स्ट्रेंथ। देखो उड़ने के लिए हम टेक्नोलॉजिकल पंख भी बना सकते हैं। एक साइंटिस्ट ने आयरन मैन जैसा एक उड़ने वाला गैजेट बनाया है जिससे उड़ सकते हैं। लिटरली मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते लेकिन उड़ तो सकते हैं ना, तो उड़ना तो पॉसिबल ही है। मतलब थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन पॉसिबल है उड़ना। सुपरमैन की स्ट्रेंथ सच्चे मतलब पूरा एक बिल्डिंग उठा लेते हैं। जस्टिस लीग में देखा नहीं होगा तो नहीं पता भी, लेकिन जस्टिस लीग एक मूवी है डीसी का, तो उसमें सुपरमैन एक पूरी के पूरी सोसाइटी उठा कर ले जाता है, पूरी के पूरी सोसाइटी उठा कर ले जाता है सबको रेस्क्यू करने के लिए। वो सीन मुझे बहुत पसंद आया था। ठीक है तो सुपरमैन एबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ करूँगा। अरे फिर से आ गया, लेकिन ज़्यादा ये था ज़्यादा अच्छा। चलो करते हैं। नो द मोमेंट ऑफ योर ओन डेथ, नो द मोमेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन। ये थोड़ा हार्ड है। मैं अपना अपना खुद का डेथ कर सकता हूँ क्योंकि खुद का डेथ तो इमेजिन हो सकता है, लेकिन दूसरों का डेथ मुश्किल से इमेजिन हो सकता है। याद भूल नहीं सकते तो हाँ बस, क्योंकि अपना खुद का डेथ। अब मैंने एक मॉरल सुना है कि जब तक मैंने एक मॉरल सुना है कि दूसरों के काम में काम मत डालो, अपने अपने काम के अंदर काम रखो। हैविंग अ अरे नहीं करना रेड, मुझे ऐसे बीच बीच में आ जाते हैं। हैविंग अ बियर बेली हैविंग अ डबल चिन। डबल चिन मेरा कैसा लगेगा पता नहीं, अजीब लगेगा ना डबल चिन। ना 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 ये इन लोगों को जिन्होंने भी चूज किया है कुछ है नहीं लगता उनमें, इसलिए ऐसे चूज किया वो उन्होंने। वुड यू रैदर बी होमलेस ये मुझे पता था, अगर होमलेस रहेंगे तो कम से कम ये ऑप्शन तो होगा ना कि किसी के साथ फैमिली या फ्रेंड्स के साथ तो मिलने को मिलेगा कम से कम, लेकिन ऐसे ना। बी अ फेमस एथलीट इन द ओलंपिक्स नोन अराउंड द वर्ल्ड, बी अ फेमस एक्टर नोन ओनली इन अमेरिका। देखो फेमस एक्टर नोन ओनली इन अमेरिका को खुद ही पता होगा तो अमेरिका खुद ही उसे फेमस कर डालेगी उस एक्टर को। अगर मैं जैसे अमेरिका के अवेंजर्स का सबसे फेमस एक्टर हूँ, मतलब अवेंजर्स का क्या अमेरिका का सबसे फेमस एक्टर बन चुका हूँ, तो अमेरिका को पता है कि उसको खुद के कंट्री को फेमस बनाना है तो वो या वो करेगा, मतलब और फेमस करता जाएगा। लेकिन ओलंपिक्स में तो कोई भी कंट्री हो सकता है। ठीक है जैसे स्पेन जो होते हैं स्पेन ना, तो मैंने स्पेन के कोई भी फेमस एक्टर के बारे में जानता नहीं, बल्कि अमेरिका के मैं क्रिस इवंस, रॉबर्ट डोनी जूनियर, टॉम हॉलैंड, फिर ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को जानता हूँ, तो मैं ये चूज करूंगा। अरे लेकिन क्या रहा है मेरे साथ, मैं गलत चूज करूँ। बी अ डॉक्टर या बी अ लॉयर। देखो डॉक्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, लॉयर में भी करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा पढ़ाई, लेकिन लॉयर में पूरा पुलिस केसेस सॉल्व करने पड़ते हैं। डॉक्टर में मतलब बहुत एक दिन में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पैंडेमिक में तो भाई क्या क्या मेहनत करना पड़ता है, कोरोना वायरस आया था ना तब तो भाई। लेकिन लॉयर बनने में थोड़ा इजी मैं ओ ओ ओ ओ, 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 ओ ये क्या था, 50% लोगों ने डॉक्टर चूज किया, 50% लोगों ने
लॉयर चूज किए, देख लो ये देख लो, 50% बी आर लॉयर, 50% बी आर डॉक्टर, ओह माय गॉड, हैव अनलिमिटेड इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास टिकट्स, नेवर हैव टू पे फॉर फूड एट रेस्टोरेंट्स। मुझे पता था अगर अनलिमिटेड इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास टिकट्स तो घूमने भी मिलेगा ना, लेकिन खाने पीने का भी तो पैसा होना चाहिए ना। वो तो लिमिटेड ही रहता है पैसा, इसलिए। लेकिन अगर सोचो अपने मन मर्जी का खाना खा कर बिना पैसे दिए चले जाए रेस्टोरेंट में, तो क्या होगा सच में, कैसा होता। मैं डोमिनोज में जाता 10-20 पिज्जा खाकर, मतलब पिज्जा नहीं, चलो ये तो एग्जांपल है, नहीं तो मैं तो फिट रहता हूँ। डोमिनोज में जाता 10-20 पिज्जा खाकर आ जाता, और फिर मेरे को पे भी नहीं करना पड़ता, मतलब जो चाहिए मुझे अपना पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता खाने पर। चलो दूसरा करते हैं, नेवर बी एबल टू रीड अ बुक अगेन। मैं अगर सीरियसली बोलूं तो मैं टेलीविजन के बिना नहीं रह सकता सच में, लेकिन बुक्स के बिना भी नहीं रह सकता। हाँ, बुक्स के बिना भी नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट हर दिन का रूटीन है कि सोने से पहले बुक्स तो रीड करना ही करना है, टाइम मिले तो ना। हाँ, तो क्या चूज करूँ मैं, क्या चूज करूंगा मैं, टेलीविजन कभी नहीं देखूंगा तो सोचो वो सब चैनल्स, मिड पैथ, ट्रिगर्ड इंसान, टेक्नो गेमर्स, लाउड ड्यूड, रियल ड्यूड, कुछ नहीं देख पाऊंगा। और बाकी जो मतलब ये जो गेम्स में भी खेल रहा हूँ उनसे, उनकी नॉलेज कहाँ से लूंगा मैं, टेलीविजन से कैसे लूंगा। वो तो है ही, कुछ कुछ गेम्स ऐसे बुक्स बनाते हैं, लेकिन हर गेम की थोड़ी बुक होती है, कोई माइनक्राफ्ट की चलो बुक है, लेकिन ये जो वुडियो रैदर है उसकी कोई बुक है, उसकी कोई बुक नहीं है कि ना कि उसको कैसे खेलते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस तो खुद लैपटॉप में ही मिलेंगे ना, और वो तो टेलीविजन ही है। और फिर इसके बिना टेक्नोलॉजी भी मेरे लिए, टेक्नोलॉजी भी खत्म हो जाएगी समझो, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए हाँ मैंने इसके लिए देखो सही लिख लिया ना मेरा, लूजिंग हियरिंग इन वन ऑफ योर इयर्स, लूजिंग साइट इन वन ऑफ योर आईज। देखो मैं एक ऐसी इनमें करके देख लेता हूँ, देखो मैं लूजिंग हियरिंग इन वन ऑफ योर ईयर थोड़े एक सेकंड के लिए कर नहीं सकता, लेकिन लूजिंग साइट वन ऑफ योर आईज कर सकता हूँ आंखें बंद करके, तो मुझे सब कुछ दिखता है ढंग से। आईज लूजिंग साइट वन ऑफ योर आईज ना, लेकिन राइट आंख की गई तो मेरे से नहीं संभाला जाएगा, लेफ्ट आंख की गई तो संभाल जाएगा, लेकिन ईयर चला गया तो एक कान से, लेकिन बहुत दिक्कत होगी फिर सुनने में तो है यार। हाँ, बी लिमिटेड टू 500 वर्ड्स अ डे, बी लिमिटेड टू 500। देखो एक दिन में मैं कितने वर्ड बोल सकता हूँ, ठीक है, एक दिन में कितने वर्ड बोल सकता हूँ मैं, 500 से भी ज्यादा ना, तो अगर 500 वर्ड बोलूँ और उसके आगे ना बोल पाऊँ मैं, ठीक है, ऐसा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए कि रहना वर्ड्स डे, लेकिन 500 स्टेप्स डे तो चलेगा। जैसे अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि एक व्हील चेयर खरीद लूँ, फिर अपना हाथ घुमा के व्हील्स काम करेंगे, बाकी मेरे पैर आराम से रेस्ट करेंगे 500 स्टेप्स के बाद, मम्मी मुझे ला कर दे देगी, या फिर मैं स्टार्टिंग से कर लूँगा ताकि मेरे कल के लिए स्टेप्स बच जाए। अरे मुझे बी लिमिटेड टू 500 स्टेप्स अ डे रहना, स्पीक विथ योर फ्यूचर सेल्फ, स्पीक विथ योर पास्ट सेल्फ, मुझे अपने पास्ट सेल्फ के साथ स्पीक करना है, क्योंकि मुझे देखना छोटू सा बच्चा था तब मैं कैसा बिहेव करता था। तो फ्यूचर सेल्फ भी करना, फ्यूचर सेल्फ में मुझे अगर फ्यूचर सेल्फ से स्पीक कर पाऊंगा तो
मुझे बड़े होके क्या बनना है, यूट्यूबर तो नहीं बनना है, तो मैं बस बचपन के अपने शौक के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं खुद को बोल दूँ ना कि नहीं मुझे यूट्यूबर नहीं बनना, अभी थोड़ा क्रिकेट का भी फोकस कर लेता हूँ, तो मेरी बॉडी तो मेरा दिमाग भी हाँ बोलेगा इस पर। लेकिन क्रिकेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आगे जाकर फिर मेरे फ्यूचर सेल्फ से पूछूंगा क्या मैं, क्या तुम क्रिकेटर बने आगे जा, कि क्या मैं आगे जाके क्रिकेटर बनने वाला हूँ कि नहीं, कि मैं ऐसे ही ब्ला ब्ला। पास्ट सेल्फ तो मैंने पिक्चर्स में वीडियोस में देख भी लिया है, तो फ्यूचर सेल्फ देखा मैंने, मैंने बोला था 60 अपने फ्यूचर को जो जॉब करने वाले हैं वो करेंगे, फिर ताकि वो जॉब ज्यादा ये मतलब ज्यादा इस पर फोकस रख पाऊँ मैं, जो भी जॉब मैं लेने वाला हूँ या जो जॉब मुझे लेने है उस पर खतरा है तो उस पर उसको मैं छोड़ सकता हूँ। एज ओनली फ्रॉम द नेक अप, एज ओनली फ्रॉम द नेक डाउन। नेक अप मतलब मेरी बॉडी इतनी उतनी की उतनी रहेगी, ठीक है, मेरी बॉडी उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन मेरा नेक, नेक से मेरा पूरा सिर फेस नेक बढ़ता जाएगा, लेकिन मेरा बॉडी बाकी जो है उतना बढ़ता ही रहेगा। लेकिन ये फिर कार्टून बन जाऊंगा मैं, सच बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम थोड़ा अच्छा तो रहूंगा ना, ऐसा जो ऐसा नहीं होगा ना गला इतना पतला, मतलब ऐसा ना हो जाऊं कि मेरा शोल्डर पूरे कान तक पहुंच जाए मेरे, क्योंकि बड़ा होता जाऊंगा ठीक है तो मेरा हाइट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन नेक नीचे ही नीचे रहेगा, और सिर उसके नेक के ऊपर कभी नीचे ही नीचे रहेगा, तो ना ना ना, ना. ना 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 क्या अरे यार हाँ तो ये लास्ट वाला कर रहा हूँ मैं आज के लिए, क्योंकि बहुत हो गया ये, कितनी बार मेरा रॉन्ग आ गया तो ये लास्ट है मेरा। बेबी सिटर डॉग, तो देखो सेव एनिमल सेव अस, सेव ह्यूमंस का मुझे नहीं पता, लेकिन सेव एनिमल सेव अस ना, तो मानो कोई डॉग या पपी गुम गए, उसको मैं पाल, चाहे स्ट्रीट डॉग भी हो ठीक है, तो कम से कम एक नेचर की एक हेल्प तो करूंगा ना, एक तो हेल्प करूंगा जितना मेरे से कैपेबल है। तो ये मैंने बोला था ना बस, हाँ तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में या फिर अगले वीक में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डालूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं ट्राई करूंगा ही 1-2 महीने छोड़ छोड़ कर नहीं डालूंगा। ओके गाइज तो आज के लिए बाय, सी यू लेटर।